जैसे वो गाना है ना कि दिल को देखो चेहरा ना देखो, तो शब्द एक चेहरा है पर उसके अंदर दिल है, वो क्या है वो हमको समझने की। खंदी साला है, खंदी सारा जब वो ख्याल आता है, जब वो विचार आता है तो बेचैनी, जब वो विचार नहीं है तो सिर्फ चैनी। कई सालों तक जैसे मेरे पेरेंट्स के साथ मुझे ये सिखाया जा रहा था कि तुझे अच्छा बच्चा बनने की जरूरत है, और मैं इतना कोशिश में लगा रहा कि मैं अच्छा बनूं कि मैं सच्चा बनना भूल गया। कॉन्स्टेंटली लोगों को अभी ऑलमोस्ट 2001 या 2 से ये रास्ते पे ज़्यादा आने लगे हैं, तो कॉन्स्टेंटली मीन्स आई एम ऑल्सो इनवाइट पीपल टू कम एंड एट लीस्ट हैव अ लुक कि ये किस तरह का रास्ता है, पर उसके बदले एक डिफेंसिव में रखे जाते हैं, सो देयर इज एन अटैक एंड देन यू हैव टू डिफेंड। सो आई विश कि मोर फैमिली एंड फ्रेंड्स कैन हाउ डू आई वेलकम देम more effectively, so there's not constant challenge of this, yes. I can be myself rather than being somebody when they are not accepting. जब भी कभी तकलीफ हो रही है और फ्लो का महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं कहां पर जोर जबरदस्ती कर रहा हूं। पेन को पकड़िए जो भी है, ओके, एक हाथ से पकड़िए, फिर दूसरे हाथ से पकड़िए, फिर और भी टाइट पकड़ दीजिए। Make it very tight, bring it close to your chest and dekhiye that when you hold something tightly to kitna achhi tarah se saans le rahe hain aap। पर्सनल रिलेशनशिप में एक बहुत ही एक ब्लेम सॉर्ट ऑफ गेम चलता रहता है हमेशा, कि मैं ये सारे चीज करता हूँ तुम ये नहीं करती हो, और इसीलिए ये हमारा रिलेशनशिप जहाँ पे है वहाँ पे, और इतना सारा हो जाता है कभी कभी मैं खुद ही नहीं देख पाता। और जब हम वी जस्ट बिगिन टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट और देखने चाहिए कि वॉट एवर इट इज वो हम जो वॉट एवर वी आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ अदर पर्सन, हमने कभी दिल से उनको बताया नहीं कि क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वॉट इज इट दैट वी रियली वॉन्ट, क्यों हमको ये इतना महत्व है, इतना जरूरी क्यों है, हमको दिल से बताए नहीं, दिल से समझाए नहीं, विश्वास को बताए नहीं, उनको जो काम नहीं कर रहे हैं वो एक लव और एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट से हमने कभी डील नहीं किया। एक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना द वाइटल साइन, एक जो बोलते हैं रेड फ्लैग होता है, क्या फ्लैग का इसका सिंबल क्या है, एकदम वी आर फ्री, वी आर फ्री and we are accepting and there is energy, एकदम creativity आ जाता है, हम blame नहीं करते, हाँ तुमने नहीं किया ठीक है, तो इस बार मैं क्या कर सकता हूँ जिससे हम दोनों एक काम कर सकते हैं, इस बार मैं कैसे बैठ के बात कर सकता हूँ कि ये कर सकते हैं हम, इस बार मैं ऐसे एकदम एक बहुत ही creative energy, एक अच्छा एक माहौल, एक play, एक ऐसा आ जाता है, हम एकदम खेल बन जाता है तभी, right? और हम जितना ये mindset के ऊपर focus करेंगे इतना हमारा life move होने लगेगा, stuck नहीं रहेगा एक जगह के ऊपर। Thank you.
love me most when I deserve it least. Because that is when I need it most. Why? क्यों? है कोई ये सोचता कि वह खाली है? खाली यानी empty कुछ नहीं होता. Empty या खाली उसे बनाया जाता है या माना जाता है. क्या दिल कभी खाली हो सकता है? दिल, मेरा दिल खाली होगा तो मैं अपने आप से भी प्यार नहीं कर पाऊंगी. अपने आप से मैं प्यार क्यों करूं? वो केवल खालीपन की ओर आकर्षित होता है. मेरे दिल से पूछो ज़रा, वो किसके पास रहना चाहता है? मैं उसको पहचान नहीं पाई, सुन नहीं पाई. सुनो, क्योंकि वो अब कुछ कह रहा है, खाली महसूस कर रहा है. उसको उसकी आदत न पड़ जाए, क्योंकि वह खालीपन में रह नहीं पाएगा. मेरे दिल हल्केपन व खालीपन की वजह से भारी है. बॉटम लाइन अब तक नहीं आई है, एक और है बॉटम लाइन, आएगी अभी, बट दिस इज वन ऑफ द बॉटम लाइन्स. ओके, कि जो हम एडवाइस किसी और को देना चाहते हैं वो बहुत ही सुंदर एडवाइस है, सिर्फ उसका डायरेक्शन गलत है. डायरेक्शन अंदर आना है, प्यार से हमें अंदर आना है. एक बहुत अच्छे ऑथर हैं, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग्स में ये है कि आंखें जो हमारी है वो गलत डायरेक्शन में देख रही हैं. उनको बंद करके अंदर झांकने की जरूरत है.